हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू बिग फैक्शन यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो है ईमेल मार्केटिंग। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया था कि व्हाट्सएप मार्केटिंग क्या होती है, क्यों करनी चाहिए किसी सेलर को व्हाट्सएप मार्केटिंग, क्या बेनिफिट्स या एडवांटेजेस हैं और कैसे आप कर सकते हैं और क्या फ्री ऑप्शन है आपके लिए अवेलेबल मार्केट में व्हाट्सएप मार्केटिंग करने का। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं व्हाट्सएप मार्केटिंग एंड ईमेल मार्केटिंग के बीच में, एंड आप उसको कैसे अपने लिए कंपेयर कर सकते हैं, आप कैसे ऑप्ट कर सकते हैं, कौन सा आपके लिए बेस्ट है या फिर दोनों ही आपके लिए बेस्ट है, ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड आज के वीडियो में हम आज डिटेल में ये देखने वाले हैं कि कैसे फ्री में आप भी कर सकते हैं ईमेल मार्केटिंग एक छोटे से टूल को यूज़ करके। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले ये देखते हैं कि ईमेल मार्केटिंग क्या होती है। तो ईमेल मार्केटिंग, जैसे कि हम सभी को पता है, मार्केटिंग क्या होता है कि अपने ब्रांड, अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज को प्रमोट करना होता है। तो वही सेम है यहाँ पे, बस जो है हम ईमेल का यूज़ करते हैं। एक हम वहाँ पे प्रमोशनल मैसेजेस या फिर कॉन्टेंट जो है शेयर करते हैं आपके ऑडियंस के साथ, और वहाँ पे हम क्या, हमारा मोटिव क्या होता है, हमारा एम क्या होता है कि आपके ब्रांड, आपके सर्विसेज, आपके प्रोडक्ट्स को हम प्रमोट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बल्क में, एक छोटे से टाइम फ्रेम में अब ज़्यादा लोगों तक आपके जो ब्रांड का मैसेज है, आपके जो ऑफर्स हैं, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का ट्राई करते हैं ईमेल के थ्रू। सो इसे कहते हैं ईमेल मार्केटिंग। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है ईमेल मार्केटिंग एंड व्हाट्सएप मार्केटिंग का, वो है चैनल का। जहाँ पे आप ईमेल मार्केटिंग को ईमेल लिस्ट या फिर ईमेल के थ्रू करते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग को आपको व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही करना होता है। नेक्स्ट जो आप डिफरेंस देखेंगे वो ये होता है कि ईमेल मार्केटिंग में आप जब ईमेल मार्केटिंग करते हैं तो आपके लिए जो ऑडियंस होती है वो काफ़ी वाइड होती है, आप काफ़ी ज़्यादा लोगों तक रीच कर सकते हैं। जबकि दूसरे हैंड पर अगर आप WhatsApp को देखेंगे तो ये काफ़ी इमीडिएट एंड पर्सनल एक लेवल पे कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे आप जो भी इमेजेस, आप वीडियोस या फिर अलग अलग जो भी आप क्रिएटिव फॉर्मेट में आप अपने जो भी प्रमोशनल कंटेंट है आप उसमें वहाँ पे शेयर कर पाते हैं। ईमेल मार्केटिंग में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको वहाँ पे एक लिस्ट बिल्ड करनी पड़ती है। आपको एक ईमेल लिस्ट बिल्ड करेंगे अगर आप, तो वहाँ पे आप लोगों को ईमेल भेज सकते हैं। आपको वहाँ पे किसी को भी रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है ईमेल भेजने के पहले। तो व्हाट्सएप में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लोगों को आपको वॉलंटरीली अपना नंबर देना होता है या फिर किसी ग्रुप में वो ऐड होने चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर या डिफरेंस हो जाता है अगर आप ईमेल मार्केटिंग या व्हाट्सएप मार्केटिंग में देखेंगे। तो इसके अलावा दोनों का अगर आप देखेंगे तो वैसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं, या फिर वो एक तरीके से दोनों सिमिलर भी बहुत सारे लेवल्स पे हैं, पर दोनों के कुछ रूल्स हैं, दोनों के कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। एक प्रॉपर कंटेंट जो होता है वो आपको फॉलो करना होता है। आपको एक और चीज़ मेक श्योर करनी होती है कि आप दोनों में ही अनसब्सक्राइब का या फिर ऑप्ट आउट का या फिर इस तरीके से एक ऑप्शन ज़रूर दें, ताकि अगर किसी को आपके कंटेंट्स रिसीव नहीं करने हैं तो वो उसको अनसब्सक्राइब कर सके या अनफॉलो कर सके आपके जो भी आप कंटेंट शेयर करते हैं ईमेल मार्केटिंग में या फिर व्हाट्सएप मार्केटिंग में। तो आइए अब देखते हैं कि ईमेल मार्केटिंग की कैसे जाती है, ऐसे कौन से टूल्स हैं जिसको आप यूज़ कर ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि हम कंटेंट क्या डाल रहे हैं। हमारा जो कंटेंट होता है वही सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपका ईमेल जो है वो क्या रिस्पॉन्स लेके आएगा। ईमेल मार्केटिंग के टाइम पे दो चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपका सब्जेक्ट लाइन, कभी भी आपका जो सब्जेक्ट लाइन है वो या तो पर्सनली किसी को एड्रेस करता हुआ होना चाहिए या फिर कोई ऐसी चीज़ होना चाहिए जो किसी को देख के लगे कि वो प्रमोशनल नहीं है, उनके लिए कोई वैल्यू एडिंग चीज़ है, तभी ही वो ईमेल ओपन होता है। जैसे कि 5 important things to know या फिर 5 important things about digital marketing या इस तरीके से आपका कुछ तो सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए, या फिर आपका जो सब्जेक्ट लाइन है वो किसी को पर्सनली एड्रेस करता हुआ होना चाहिए। तो ये भी आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं जब आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, जब आप कंटेंट अपने लिए जनरेट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ होती है, जैसे मैंने बताया कि आपका मेन बॉडी ही डिसाइड करेगा कि आपको उसके ऊपर रिस्पांस आने वाला है या नहीं है, आप ये जो ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं उससे कोई कन्वर्जन निकलेगा या नहीं। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे सबसे पहले तो हमने एक बेसिक यहाँ पे डेटा ले लिया जिसको हम यूज़ करते हुए हम हमारी ईमेल मार्केटिंग करने वाले हैं। तो हमारे यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स थी जो हम चाहते थे कि हम उसको यूज़ करते हुए हम अपना जो डेटा है वो बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, अब इसके बाद हम चले जाते हैं ChatGPT पे। तो हमारा जो डेटा था वो सेम हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया ChatGPT के ऊपर। वहाँ पे ChatGPT पे जाने के बाद तो अब देखिए यहाँ पे ये जो हमने कंटेंट था उसको पहले हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, ताकि हमारे पास मेन क्या डेटा है, उस क्या किस बेसिस पे ChatGPT को जनरेट करना है
तो यहाँ पे हमारा जो कंटेंट था उसको यूज़ करते हुए हम एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं, पर यहाँ पे जो अभी के लिए मेरे पास स्क्रिप्ट आया है उससे हमें काफ़ी छोटा स्क्रिप्ट चाहिए क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही डिटेल में एक्सप्लेन्ड है। तो इस तरीके से आप एक काम कर सकते हैं कि हम यहाँ पे मल्टीपल जो है तरीके से हम इसको जनरेट कर लेते हैं। तो हम बेसिक आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि किस तरीके से आप भी चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए आप एक अपने लिए कंटेंट बना सकते हैं। आपको किसी कॉपीराइटर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मान लीजिए आप एक सिंगल पर्सन है जो सारा कुछ कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, तो आप भी चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं, अपने लिए कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। हमारी जो टीम है वो भी बहुत बार चैट जीपीटी ही यूज़ करती है कंटेंट इस तरीके से क्रिएट करने के लिए। तो आप भी ज़रूर यूज़ कीजिए क्योंकि काफ़ी यूज़फुल है। मल्टीपल यूज़ के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि क्या सही तरीका है इसको यूज़ करने का। तो आप अपने लिए जब एक डिज़ायर्ड आपके पास रिजल्ट रेडी हो जाएगा, एक कंटेंट रेडी हो जाएगा, एक सब्जेक्ट लाइन आपके पास यहाँ से रेडी हो जाती है, आप चाहिए तो डायरेक्टली इसे यूज़ कर लीजिए, या फिर जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप इसे क्विलबॉट भी कर सकते ताकि ये जो आपका कंटेंट होता है वो एक अच्छे वे में आपके प्रेजेंट हो जाए। ठीक है, तो अब हम चलेंगे हमारे उस टूल के पास जिसको हम यूज़ करके ईमेल मार्केटिंग करने वाले हैं। तो हमारा जो टूल है आज के लिए, जो आज के वीडियो का हमारे लिए स्टार होने वाला है, वो है ब्रेवो, जिसे हम पहले सेंड इन ब्लू भी कहते थे। तो सेंड इन ब्लू के लिए आप app.brevo.com पे जा सकते हैं। वहाँ पे सबसे पहले जो आपको करना है वो है आपके लिए सबसे पहले आप मेक श्योर कर लीजिए कि आप एक अकाउंट अपने लिए सेट कर ले रहे हैं। आप बस एक लॉगिन कर लें। फर्स्ट टाइम का ये सिर्फ पार्ट होता है जहाँ पे आपको अकाउंट जो है लॉगिन करके अकाउंट क्रिएट करना होता है। एक बार आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो जो प्रोसेस है वो काफ़ी इजी प्रोसेस है। 3 to 4 स्टेप्स में आप डेली बेसिस पे आराम से 200 to 300 नंबर्स पे आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो अकाउंट है उसमें ऑलरेडी हमने लॉगिन किया हुआ है। आप अगर कुछ इशू आता है आपको लॉगिन करते वक्त, या फिर आप अकाउंट क्रिएट करते वक्त आपको अगर कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमसे हमारे वेबसाइट के थ्रू या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि हम कैसे ईमेल मार्केटिंग करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ हमें देखनी है कि हमारे पास एक ईमेल आईडी की लिस्ट रेडी होनी चाहिए। हमारे पास जो ईमेल लिस्ट है वो रेडी होनी चाहिए। हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। हमें कॉन्टैक्ट्स में जाना है। कॉन्टैक्ट्स में जाने के बाद तो यहाँ पे हमारा अकाउंट है, यहाँ हमारे अकाउंट से आप ये होम हमारा पैनल है। हमें सबसे पहले हमारा जो ईमेल लिस्ट है वो क्रिएट करना होगा। उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्रिएट अ कॉन्टैक्ट पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो आप इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट्स या ईमेल लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, पर अभी के लिए मुझे बल्क क्रिएट करना है तो मैं इम्पोर्ट कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करूँगी। मेरे पास फाइल नहीं है, मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट पे क्लिक कर लिया। मेरा डेटा यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे चेक द डेटा पे क्लिक किया है मैंने। काफ़ी इजी सा प्रोसेस है, जो भी यहाँ पे प्रोसेस होता है बस आपको वो फॉलो करते जाना है। कंफर्म योर डेटा पे क्लिक करने के बाद कंफर्म यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर कोई और आपने डेटा डाला है तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। एंड कंफर्म द मैपिंग पे यहाँ पे ये अगर क्योंकि हम यहाँ पे पहली लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, करेक्ट, तो क्रिएट अ लिस्ट पे आपको क्लिक करना है। जो भी नेम होगा वो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर सोशल मीडिया सर्विसेज इस तरीके से, क्योंकि मैं सोशल मीडिया सर्विसेज पे करने वाली हूँ। तो ये मेरा होगा क्रिएट अ लिस्ट पे। मैंने जब क्लिक कर लिया यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सेम मेरा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया कंफर्म योर लिस्ट पे, एंड देन बस टिक करके यहाँ पे कंफर्म या इंपोर्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। इस तरीके से जो मेरा लिस्ट है ईमेल मार्केटिंग के लिए वो मेरा रेडी हो गया है। तो आप पहले एक बार कॉन्टैक्ट लिस्ट आप बना लीजिए, उसके बाद आपको कैंपेन्स में जाना है, उसके बाद अभी क्योंकि हम ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको ईमेल पे क्लिक करना है। एंड क्रिएट एन ईमेल पे क्लिक करके आपको डायरेक्टली यहाँ पे जो नेम है आप अपना कोई भी नेम दे सकते हैं। अभी हम सोशल मीडिया के लिए कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज के लिए कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया सर्विसेज में डाल देती हूँ। फिर क्रिएट अ कैंपेन पे आपको क्लिक करना है एंड बस यहाँ पे जो जो चीज़ें पूछी है बस आपको वो यहाँ पे फिल इन करते जाना है। तो सबसे पहले जो है फ्रॉम में आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी है। दूसरा जो है टू के अंदर आपको रेसिपिएंट्स डालना है। रेसिपिएंट में जो हमने लिस्ट बनाई थी अब वो यहाँ पे काम आएगी। तो यहाँ से आप डायरेक्टली जो आपकी लिस्ट होती है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेरी लिस्ट डायरेक्टली यहाँ पे आपको दिख रही है, तो मैं यहाँ पे अपनी लिस्ट सिलेक्ट कर लूँगी। लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कितने रेसिपिएंट्स हैं वो आ गए मेरे, एंड देन सेव पे मैंने क्लिक कर लिया। सेव पे क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ से डायरेक्टली फिर यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन पे जाऊँगी। आप मेक श्योर कर लीजिए कि आप अपनी सब्जेक्ट लाइन एंड अपना कॉन्टेंट पहले से ही आप बना ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी सब्जेक्ट लाइन भी है मेरे पास, ठीक है। तो आप कुछ आप इससे भी बेटर आप बना सकते हैं जो भी सब्जेक्ट लाइन है। हमने यहाँ पे सिर्फ एक सैम्पल के तौर पे बनाया है, तो ये हमारा सब्जेक्ट लाइन हो गया। एंड यहाँ पे स्टार्ट डिजाइनिंग पे अगर आप क्लिक करेंगे तो मेन जो आपका मेन बॉडी होता है वो आपका आ जाता है।
यहाँ पे मैं आपको एक कैसे टेम्पलेट, सिंपल टेम्पलेट से कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहले हमारी टेम्पलेट्स मैंने कुछ बनाए हुए थे, तो ये देख लीजिए यहाँ पे और भी ऑप्शंस, अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे टेम्पलेट की गैलरी ऑलरेडी है तो आप ये भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप अगर खुद का कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जो मैंने प्रीवियस किए थे उसके लिए है यहाँ पे, और भी जो ऑप्शंस हैं अगर आप कुछ और बनाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। आप प्रीव्यू हो गया या फिर डायरेक्टली आप टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे हमने हमारा लोगो डाल लिया है, जो मेन इसमें था हम ये वाला टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने हमारा लोगो डाल लिया। लोगो डालने के बाद तो यहाँ पे जो हमने पहले हमने जो चैट जीपीटी को यूज़ करके कंटेंट बनाया था, एंड यहाँ पे हमने हमारी इमेजेस पहले की यूज़ किए हुए पड़े हैं, तो हम वो टेम्पलेट को मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे जो टेम्पलेट होता है उसी को गैलरी को यूज़ करके आप कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले वाले में हमने यहाँ पे डाल लिया हमारा जो लोगो है वो, नेक्स्ट में हमने दूसरे ऐसे कैची सा एक इमेज डाल लिया है, दूसरा हमने यहाँ पे जो कंटेंट क्रिएट किया था उसमें से अब मैं चेक कर लूँगी कि मुझे कहाँ पे क्या डालना है, उसके अकॉर्डिंग अब मैं अपना जो कंटेंट है वो क्रिएट कर लेती हूँ। एक मिनट, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप जितना बेटर अपने लिए मार्केटिंग कंटेंट बना सकते हैं उतना ज़्यादा बेटर है। तो आप अगर आपको चाहिए, अगर आपके पास टीम है यहाँ पे कॉपीराइटिंग की तो आप उनसे भी ले सकते हैं, उनसे भी ये डिज़ाइन करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको प्रोसेस सारा खुद से इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको पता चले कि किस तरीके से आप भी काफ़ी ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉल टू एक्शन का जो बटन है, यहाँ पे आप लिंक इस तरीके से क्लिक करके आप लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी को आप अपने व्हाट्सएप पे या फिर अपने वेबसाइट पे आप लैंड कराना चाहते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्टली भी करा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है आप जो भी आपका व्हाट्सएप का रहेगा आप उसे डायरेक्टली भी इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आप एक लिंक जो भी है आप कॉपी कर सकते हैं, कॉल टू एक्शन में आप उसे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आप अगर जो भी आपका कॉल टू एक्शन, जैसे हमारे लिए यहाँ पे रीच आउट अस ऑन व्हाट्सएप है तो वो हमने डाल दिया, कलर वगैरह चेंज कर लिया। तो कंटेंट जो है, बेसिकली कंटेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन आपका जो है कंटेंट आपका सही होना चाहिए, कैची होना चाहिए। तो ये आपका हो गया। इसके अलावा जो है बस आपको ये जो ब्लॉक है बस आप इसको सेव कर लीजिए, आपका सेव हो जाता है। उसके बाद बस ये आपको, अगर आप और भी कुछ इसमें एडिट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। इसमें एक बार आपका वो हो जाए आप अपने सोशल मीडिया लिंक्स इसमें ऐड कर लीजिए अगर आपको चाहिए तो। ये मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है अपना जो मेन टेम्पलेट है, बस इसको सेव एंड क्विट पे पहले क्लिक कर लीजिए, ये आपका सेव हो जाता है। जो आपका टेम्पलेट आपने डिज़ाइन किया है वो यहाँ पे बन जाएगा। अब देखिए ये जो मैं वापस ईमेल मार्केटिंग का पेज था उसके ऊपर आ जाती हूँ। यहाँ पे चारों चीज़ें हो गई हैं, एडवांस सेटिंग में कुछ करना नहीं होता है। अब ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे मेरा जो मैंने टेम्पलेट बनाया था वो ऑलरेडी यहाँ पे विजिबल हो गया, करेक्ट। अब बस मुझे आप अगर चाहिए तो इस देखिए ऐसे आपका फ़ोन व्यू में इस तरीके से दिखेगा। तो आप इसमें फ़ोन व्यू, आपका जो डेस्कटॉप व्यू है आप दोनों देख सकते हैं। अब बस यहाँ पे आप अगर चेक करना चाहते हैं कि कैसा दिखेगा तो आप यहाँ से डायरेक्टली इस तरीके से चेक कर सकते हैं। एक बार आपने चेक कर लिया तो बस आपको यहाँ पे स्केड्यूल के ऊपर क्लिक करना है। स्केड्यूल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेंड नाउ का ऑप्शन होता है, वो वहाँ से अपने आप सेंड होने लगता है। एंड आप चेक कर सकते हैं, आपका ब्रेवो यूज़ करने का मेन पॉइंट ये होता है कि आप ये देख सकते हैं कि कितने लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया, ओपन किया, अनसब्सक्राइब किया। तो इस तरीके के जो पैरामीटर्स होते हैं वो आप यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे मेथड जो हैं, दूसरे फ्री मेथड्स जो हैं, जैसे कि गूगल मेल मर्ज भी एक ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं कि उसको यूज़ करके, क्योंकि वो गूगल की तरफ से होता है तो आप जीमेल में डायरेक्टली उसे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम उसके थ्रू भी कैसे किया जाए इस पर भी वीडियो बनाएं तो हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो लेकर ज़रूर आएंगे। थैंक यू, आई होप ये आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा। थैंक यू, फॉलो अस फॉर मोर सच कॉन्टेंट।